नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रोसीकैप गोल्ड एक ब्रांड नेम है। रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल के अंदर 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन रोसुवेस्टेटिन, क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन होता है। एस्पिरिन व क्लोपिडोग्रेल खून को पतला करता है और शरीर की नसों में ब्लड के क्लॉट को बनने से रोकने में मदद करता है। रोसुवेस्टेटिन शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। रोसुवेस्टेटिन शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके अलावा रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी कम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स फैट की ही एक टाइप है जो ब्लड में पाई जाती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से नसों में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है। ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल शरीर में ब्लड को पतला रखता है व शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम कम हो जाता है। जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा पड़ चुका है या लकवा लग चुका है, ऐसे व्यक्तियों में दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी डॉक्टर रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द होना, बदहजमी होना, शरीर में कमजोरी व थकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज होना और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है। रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल की वजह से कोई चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर आप रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को ले रहे हैं और आपको अगर ज्यादा चोट लग गई है तो आपको तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके। कुछ व्यक्तियों में रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल की वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को लेते समय आँखों या त्वचा में पीलापन होना, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण लिवर डैमेज होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल की वजह से शरीर की मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द आदि साइड इफेक्ट्स भी रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। अगर आपको रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को लेने के बाद शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण रैबडोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं। रैबडोमायोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मांसपेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मांसपेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वजह से मांसपेशियों से मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जो ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकती है। वैसे रैबडोमायोलिसिस होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल की वजह से रैबडोमायोलिसिस भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को लेने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक लेटना या सोना नहीं चाहिए। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए। रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल की डोज, उम्र,
शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी होने वाली है या दांत निकलवाना है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर सर्जरी करने से या दांत निकालने से एक से लेकर दो सप्ताह पहले रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को बंद करने की सलाह दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सर्जरी होने वाली है या आपको दांत निकलवाना है, तो आपको रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल खून को पतला करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाइयां जैसे इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल आदि दवाओं के साथ रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां जैसे एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन और निम्सुलाइड आदि दवाओं के साथ भी रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर, पेट में अल्सर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, हीमोफीलिया होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर और लिवर की कोई बीमारी होने पर रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को लेते समय आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल के साथ शराब का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का व लिवर डैमेज होने का जोखिम अधिक हो जाता है। रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को लेते समय आपको लिवर के स्वास्थ्य को मॉनिटर करते रहना चाहिए। इसके लिए आपको हर 6 महीने में लिवर फंक्शन टेस्ट को करवाते रहना चाहिए, ताकि लिवर के स्वास्थ्य को मॉनिटर किया जा सके। आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, चिंता व तनाव से बचना चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और घी व ज्यादा ऑयली भोजन को खाने से बचना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित व रेकमेंडेड नहीं है। रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, और स्तनपान करा रही महिलाओं में रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकता है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका रोसीकैप गोल्ड कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।